मुझे पता है कि मेरा अंत होने वाला है, मेरा नाश होगा। जो कि जो जन्म लेता है उसका अंत यह अटल होता है, उसी तरीके से मेरा भी अंत होगा। मेरी भी एक एक पंखुड़ी झड़ जाएगी, गिर जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं पवन के साथ यानी हवा के साथ हर एक एक घर जाकर यानी हर फूल के पास जाकर अपनी माफी मांगूंगा और मेरी भूल चूक जो है वह मैं मांगूंगा, मेरे दंड को मैं फैलाऊंगा। तब उस दिन यह मंडी को यानी बेचने वाले को या खरीदने वाले को समझ में आएगा कि खुददारी क्या होती है, सम्मान क्या होता है। यह फूल कहता है कि मैं अपने आप को बिकने नहीं दूंगा, बिकने से बेहतर अच्छा है अपने आप को मिट्टी में लीन कर दूं, मिट्टी में समा जाऊं और इस तरह मैं अपने आप को जो है यानी कि मन से मन जो है तो तन को रुका देता है या विघ्न करा देता है, डाल देता है, यानी कि अपने शरीर को मेरे मन ने प्रतिबंध लगा दिया है, रुका दिया है कि मैं अपने आप को मंडी में ना बेचूं। और इस तरीके से अपने आप को नहीं बेचना यह उस मैंने जो है तो अटल निर्णय कर लिया है, यानी कि मैं अपनी गंध कभी नहीं बेचूंगा। और इस प्रकार इस भावार्थ के आधार पर इस गीत में यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य को भी जिस तरीके से फूल अपने स्वाभिमान को संभालता है या उसका उसको संजोगता है, मान सम्मान अपने आप को दिलाना चाहता है, उसी तरीके से मनुष्य ने भी अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना चाहिए, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जीना चाहिए।